Hey guys, welcome back to the channel. This is Mr. Snooky J, day 4th in Manali. So, आज का हमारा कुछ खास प्लान है. परसों जैसे हमने बाइक रेंट करी थी, सो वैसे ही आज हमने रेंट कर ली. लेकिन आज हमने एक डिफरेंट बाइक रेंट करी है. सो दिस इज़ द बाइक, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 500. सो आज इसके ऊपर मैं और मामू जाएंगे. इसके ऊपर पहले बैठो. हाँ, बैठ के सीधी करो, हो जाएगी. बड़ा बड़ी बात है यार. स्टैंड ओवर करो. ये भी सेल्फ स्टार्टिंग. हाँ, सेल्फ स्टार्टिंग है. आगे को मैंने काफ़ी टाइम के बाद बाइक वगैरह चलानी थी, मतलब यहीं पर आके चलानी शुरू करी. तो वो पापा आ गए हैं. तो कैसी लगी पापा? हैवी है ना, लेकिन बुलेट तो फिर बुलेट है. इसके चलाने का मज़ा जो है वो कहीं और नहीं है. कि नहीं पापा? सो यस यस. सो मामू, कैसा फील कर रहे हो? बहुत बढ़िया है. फन करेंगे चलते हुए. मस्ती मारते हुए जाएंगे मैं और मामू. हमारी शुरू से ही बहुत बनी मेरी और मामू की. रॉयल पीपल ऑन रॉयल एनफील्ड. ऑल सेट टू गो. मामू और मैं रेडी हो गए बाइक पे जाने के लिए. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling, I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a place till my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. So, अभी थोड़ा सा एक छोटा सा हॉल्ट लिया हमने. इतना डिफिकल्ट है वैसे यहाँ पे कार और बाइक लेके आना, पर और ही नीचे चला गया था. नीचे जाके आ गया. मैं चोट के नीचे जा रहा था. ओए जाओ 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 घूम घूम के क्या. आराम से ओए ओए भाई के साथ नीचे जा रहा है. ध्यान से
तो अभी हम यहीं पे रुके हैं थोड़ी देर, आगे कुछ काम चल रहा है इस साइड आगे, तो भैया ने हमें बता दिया था, भैया पीछे आ रहे हैं, उन्होंने बताया था कि आगे कुछ काम चल रहा है तो आधा घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। बढ़िया ही लग रहा है, आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। और वो चलो चलते हैं अभी, तो अभी थोड़ी देर हम रेस्ट करने के लिए यहाँ रुके हैं, आधा घंटा भी तो लगेगा, और भी लोग आ गए वहाँ पे, अभी बैठे हैं मामू पापा मम्मी कहाँ की, वो पीछे उनका फोटो शूट चल रहा है मम्मी का और कार्तिक का पोर्टफोलियो चल रहे हैं। हाँ, तो अभी यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे थोड़ी देर में। अभी बैठे बैठे मैंने और मामू ने मतलब प्लान किया कि जब तक ये हो रहा है नीचे काम कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ नीचे जो है ना यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी आधे घंटे के लिए उन्होंने रोक दिया, काफ़ी गाड़ी लगी पीछे भी और ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। सो मैं और मामू अभी ऊपर को जा रहे हैं, थोड़ा बहुत हम जाके देखते हैं कि कितना ऊपर तक हम जा सकते हैं, मतलब और ज़्यादा भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमें वापस भी आना है, उसके बाद नीचे नहीं तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाएगा। सो मे बी शायद गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, कुछ ज़्यादा होंगी इसलिए निकाल ली, पीछे गाड़ियाँ आगे आ गई हैं। ओह नहीं नहीं नहीं, उन सबको मैंने ऊपर से वापस भेज दिया हूँ, तो मैं यहीं से जा रहा हूँ थोड़ा सा। ओ अभी हम रुके हैं एक जगह पे, तो इसके आगे जाना गाड़ी और बाइक नहीं जा सकती आगे, और ट्रैकिंग के लिए फिर मम्मी भी ज़्यादा नहीं चल सकती आगे, तो हम यहीं तक आए हैं और आगे भी थोड़ा सा आगे कुछ कुछ पॉइंट हैं जो देखने वाले हैं, तो अभी सब कुछ कुछ खा रहे हैं, खाना खा के फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा आगे का व्यू देखेंगे। सो बाइक मैंने अपनी यहाँ पार्क कर दी और गाड़ी हमारी ये खड़ी, तो आप ये व्यू देख सकते हैं यहीं से, जो मनाली हमटा का जो ट्रैक स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, इसके आगे कार वगैरह कोई नहीं जाती, अगर आप कार में आएँ या बाइक पर आएँ तो यहाँ से मेन यहाँ से जो आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद आप आगे चलते जाते हैं, और जो बाकी यहाँ पे घोड़े खच्चर जो खड़े हैं इनके साथ बस आप अपना सामान बेच सकते हैं, इनके ऊपर आप बैठ के ट्रैकिंग नहीं कर सकते। ये देखो ये बड़ा प्यारा सा डॉग है, इसके बाल कितने लंबे हैं। हमने राजमा चावल दाल चावल और हमने मैगी ऑर्डर कर दी है, तो बस कुछ खाएंगे पियेंगे बस वह निकलेंगे। भाई क्रिस और कार्तिक तीनों को पता लगे, अरे ओरियो को भी उसका एक फ्रेंड मिल गया जरा, और बहुत खेल रहा मिला तो उसका दोस्त मिल गया। और वो तो सही उसका दोस्त मिल गया। अभी यहाँ पे हमने खाना वाना खा लिया कुछ, तो अभी टाइम हो गया 4:30, तो ये टीम जा रही है आगे ट्रैकिंग के लिए, तो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, जो आंटी बता रही हैं आगे छोटा सा ब्रिज है तो वहाँ जाएंगे हम, मैं क्रिस मम्मी कार्तिक पापा और मामू, पापा और मामू तो आ रहे हैं, दोनों वॉक करते हुए आ रहे हैं, फिर मेरा भाई ओरियो ओरियो का जो फ्रेंड बना वो साथ में है, मम्मी यहाँ पे पहले ही आके खड़ी हुई थी। चलो आओ आगे चलते, ये पौधा ऐसा है जैसे सांप होता है ना, ये तोड़
ध्यान से क्रिश क्रिश अभी गिर जाएगा। तो ले ली मैंने, एक आध और ले आ। एक स्टिक तो मिली है। और यहाँ पे कैमरा गाइस अगर मूव हुआ होगा थोड़ा बहुत ठीक बता दीजिए। कार्तिक आराम से धीरे धीरे आ गया। पहले तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है? मुझे मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन आगे चल, आगे चलो, मेरी पीछे चल रहे हैं। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. मैगी कितने की लगाई आंटी ने? मैगी आंटी ने लगाई है 80 रुपीस की। ओ वाओ, पहुंच चुके हैं एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल पे। सो आपको आवाज़ तो आ रही होगी पानी की, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सुंदर वाटरफॉल है और इसके ऊपर एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है। सो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। पापा के साथ ही जा रहा है फोटोग्राफी। कैसा लग रहा है मामा आपको? बहुत डेंजर है पानी को देख के, पता मुझे बहुत डर लगता है। तो अभी हम इससे आगे नहीं जा रहे, ये जो ब्रिज है इसके आगे नहीं जा रहे हम, क्योंकि मम्मा से ज़्यादा चला नहीं जाएगा ऊपर के लिए। तो अभी हम यहीं से वापस जाएंगे। तो अभी तक जो हमने किया वो एक मतलब स्टार्टिंग बिगनिंग था, मतलब इस ट्रैक की जो हमटाबाज की ट्रैकिंग है वो यहीं से बिगनिंग होती है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, और अगर आपने यहाँ तक देख ली तो लाइक करे बिना, शेयर करे बिना और कमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मिस्टर स्नूकी जे इन मनाली। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मिस्टर स्नूकी जे, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, बस लास्ट डे ही, मतलब आज हम घर निकल रहे हैं फॉर दिल्ली। सो अभी टाइम हो रहा है, मेरे ख्याल से 12 कुछ बज रहे हैं, तो बस अभी हम यहाँ से निकलेंगे। सो दिस वाज आवर ट्रिप, बहुत अच्छी ट्रिप रही हमारी। बस एक चीज़ थी कि यहाँ पे गर्मी बहुत है, पर बाकी सीनरीज वगैरह या कहीं ना भी घूमने गए बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। This is Mr. Snooki J. Be happy and stay safe.